शुरू करें। दही बड़े बनाने के लिए हमारे पास है ये दाल, इसको मैंने भिगो दिया है 5-6 घंटे के लिए, ये भिगा हुआ था और ये अभी बिल्कुल तैयार है। ये उड़द की दाल है, सो इसे अब हम पीस लेंगे। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हमने दाल को पीस लिया मिक्सर में और इस उड़द के दाल को बिल्कुल दरदरा भी नहीं पीसना है और बिल्कुल महीन भी नहीं करना है। देखिए इस तरीके से पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से पीस गया। अब इसमें हम थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार। और इसे ऐसे थोड़ा फेंट लेंगे अच्छे से। अब जैसे इसे गोलाई में फेंट रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से फेंटना है ताकि इसके बड़े अच्छे से बन जाए। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें वड़े को तल लेंगे। सो वड़े को इस प्रकार से हम गोल बनाएंगे, इसे हाथों में ले लेंगे और इसे तेल में डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होना है और गर्म जब हो जाए तो लो फ्लेम पे, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पे ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो आप अपने साइज के अनुसार इसे बना सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा। वड़े हमारे एक साइड से हो चुके हैं, अब हम इसे पलट देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, फ्राई कर लेना है ऐसे। ये फूल रहे हैं यानी ये बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूल चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। थोड़ी देर के बाद हम इसे हल्का गर्म पानी में डाल देंगे ताकि इसका ऑयल पानी में निकल जाए। हमारे पास दही है, इसे हम फेंट लेंगे। इसमें हल्का सा चीनी हम मिला लेंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना जरूरत है। और इसे हम फेंट करके रख देंगे ताकि चीनी दही में अच्छे से मिल जाए। मसाले के लिए हमने ले लिया है थोड़ा सा जीरा और अजवाइन, इसे हम हल्का सा तवे पे भून लेंगे। हमारे पास
से गर्म पानी है। अब हम इसे फड़े को पानी में डाल देंगे। कुछ देर इस पानी में ये फूलेगा, फिर से हम इस पानी को अलग करके दूसरे पानी में डाल देंगे। तो इस पानी में ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर हम मसालों को भून लेते हैं, जीरा और अजवाइन ये हल्का सा भून लेंगे। हमने बल्लों को, दही बड़ों को इसमें डाला था पानी में। अब हम इसे इस प्रकार से हाथों से हल्का दाब करके निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस प्रकार हम सारे बल्लों को निकाल लेंगे। तो हमारा मसाला भी यहाँ पर तैयार है दही बड़े में डालने के लिए। इसमें हमने जीरा अजवाइन को भूनकर पीस लिया और उसमें हमने चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक को भी मिला दिया है। सो आइए हम अब दही बड़ों में दही को डालेंगे। हमारे पास है ग्रीन चटनी और ये है टोमेटो सॉस, इसे हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो इमली का खट्टा मीठा चटनी को लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें टोमेटो सॉस को डालेंगे। दही बड़ा बनकर तैयार है। प्लीज़ आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।